वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। ये पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है, नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, ग्रह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पद, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्म भाग में तथा 13 देवता अंत भाग में अवस्थित रहते हैं, यथा ईश, शिखी, पर्जन्य, जयन, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्रह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधीप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति। ये वास्तु मंडल के बाह्य देव हैं। इन बाह्य देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ईशान आदि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे। यथा ईशान कोण में आप जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्र देव की पूजा करें। नवपद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वाधिक क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: अयर्मा, सविता, विवस्यान, विदुधाधिप, मित्र, राजयश्मा, पृथ्वीधर और अपवत्स। ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा दिया गया रेखांकन वंश कहा जाता है और अग्नि कोण में जब वायु पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण से अदिति दुर्धर योग बिंदु पर हिमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तु मंडल के अंतिम नैऋत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र अर्थात इंद्र देव से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तु देवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारागार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर सैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। ग्रह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित, कदली ग्रह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के बाह्य भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवाल बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तु मंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तु मंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलागर्त ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अर्यमादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि की पूजा करके दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी में स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तु मंडल के ईशान आदि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्म भाग में हेतुक आदि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, वेताल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधर्वमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथा साध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की राशियों को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें, उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें, जो गुणनफल हो उसका रक्ष
भाग अर्थात 27 से भाग दें, जो शेष हो उसे वृक्ष या नक्षत्र राशि कहते हैं। जो भागफल है वो अपव्यय कहलाता है। इस वृष राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में से 9 से भाग दें। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इस स्थिति अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शशांश हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तु मंडल के मध्य ही सदा ग्रह का निर्माण करे, उसके पृष्ठ भाग में ना करे। इसी प्रकार वास्तु मंडल के वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि वाम पार्श्व में वास्तुदेव सोए रहते हैं, अतः इसमें ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करें, और उसी प्रकार वृक्षादि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोध और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं, अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल से प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्ग शीर्ष, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोध पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन तथा मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा बैसाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम तथा पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृषभ, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोध पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है, उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है, अतः उपयुक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। प्रासाद लक्षण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64-64 पद परिमाप का एक चतुष्ट कोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिणाम भूमि में दीवाल का निर्माण करें, साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिणाम को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रासादिक जंघा कहते हैं। भवन की ये जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार परिमाप को संक्राधि कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांगरी के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें, उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए, अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमिखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भ ग्रह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिणाम निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मंदिर के चारों ओर बनाने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशा में निर्गम बाहर निकलने के लिए द्वार रखें।
गर्भगृह के चातुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भ के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान उसके अग्रभाग में भूमंडल बनाना चाहिए। ये प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिणाम को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिणाम के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिणाम में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंगा भाग के परिणाम की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम हो उस परिणाम के अनुसार शुक्रांगरी भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिणाम बताया जा चुका है, अब द्वार का परिणाम कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक शैशिक तथा भित्ति द्वार परिणाम के अनुसार ही उसके अर्ध अर्ध परिणाम की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडल के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिणाम में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्राग्री भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप कह रहा हूँ, उसे सुने। प्रसाद मंडप के अग्रभाग में त्रिवेद अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण करना चाहिए जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रसाद के मान का अवधारण करके ब्रह्म भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रसाद के चारों ओर एक पाद परिणाम वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिणाम के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, मल्लिका, माणिक तथा त्रिविष्टिप। ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार तथा चौथा मल्लिका नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्ट नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रसाद के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रूचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रसाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, गृहराज, शालाग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तब और शिविका वेश्म, ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुदुम्भी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णिणीशी, शंख, कलश, गुआ वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, इन प्रसादों का उद्भव मल्लिका मणिक नामक वृत्तायत प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, वभ्रु, वक्र, स्वास्तिक, खड़ग, गदा, शिरवृक्ष, विजय तथा श्वेत, इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहां तहां किया जा सकता है, जो क्रमशः राज, ऐश्वर्य, आयुवर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिणाम का एक भद्र ग्रह निर्मित करवाएं। भद्र ग्रह को समानांतर
वातायन रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए, कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे डेढ़ गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रासाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अव्यवस्थित चार द्वारों और चार मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रासाद 100 श्रृंखों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप तीन तीन भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करना चाहिए जो चतुरस्त्र अर्थात चौरस भूमि पर समान चार कोणों से समन्वित हो। वे प्रासाद चंद्रशालाओं से युक्त तथा भेरी शिखर से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हो। देव प्रासाद के द्वार द्वेश की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी अर्धाधिक विधिक प्रकार से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय है, उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है।